खबर इस वक्त सतना से आपको दे रहे हैं, जहां शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने हंगामा किया है। सस्ते 3G फोन दिए जाने का छात्राओं ने यहां विरोध किया, नाराजगी जाहिर की है छात्राओं ने। 4G मोबाइल की मांग को लेकर छात्राओं का हंगामा। NSUI कार्यकर्ताओं ने किया छात्राओं का समर्थन, पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तो खबर सतना से आ रही है, जहां शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि उनको सस्ते 3G फोन दिए गए हैं, छात्राओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की। 4G मोबाइल की मांग कर रही हैं छात्राएं। NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्राओं का समर्थन किया है, NSUI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सतना से खबर, जहां शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय में छात्राओं का हंगामा। 3G फोन दिए जाने से छात्राएं नाराज, 4G मोबाइल की मांग कर रही हैं छात्राएं। NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्राओं का समर्थन किया है, पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। खबर सतना से, जहां शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने हंगामा किया है। सस्ते 3G फोन दिए जाने को लेकर छात्राओं ने नाराजगी जाहिर की। 4G मोबाइल की मांग कर रही हैं छात्राएं। NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्राओं का समर्थन किया। और खबर पर जानकारी देंगे शाहिर, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। शाहिर, यहां महाविद्यालय में छात्राओं का हंगामा हो रहा है, सस्ते 3G फोन से नाराज हैं, अब 4G फोन की मांग कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, इंदिरा कॉलेज जो कि कन्या महाविद्यालय है, और यहां पर आज छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। बताया पूरा जो मामला है वो 3G मोबाइल को लेकर, यहाँ या जो कॉलेज प्रबंधन है उन पर आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें 3G फोन दिए गए हैं, जबकि वहाँ 4G मोबाइल देने का जो प्रावधान था वो था, लेकिन उन्हें 4G मोबाइल नहीं दिए हैं, और इसमें भारी घोटाला सामने नजर आया है। उसको लेकर यहाँ पर NSUI के जो कार्यकर्ता है वो उनके समर्थन पर आए थे, जिनको सिटी कोतवाली पुलिस ने वहाँ पर मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और थाने पे बैठा दिया। उसके बाद यहाँ जो गुस्साई छात्राएं हैं वो थाने में पहुंची, और थाने में पहुंचकर वो NSUI के कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग कर रही हैं लगातार। वो यहाँ पर थाने में भी प्रदर्शन उनका जारी है। जी बिल्कुल शाहिर, यहाँ किसी का नाम सामने आ रहा है, किसी कंपनी से मिली भगत या कोई बड़ा ठेकेदार जिसको ये काम दिया गया हो मोबाइल वितरण का? जी अभी ऐसा कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो छात्राएं हैं वो कॉलेज प्रबंधन पर लगातार जो है वो आरोप लगा रही हैं कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा जो भी जो घपलाबाजी की गई है वो कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया गया है। उसके अब जो आगे जो जांच होगी उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आएगा कि आखिर इस पूरा मामले के पीछे किसका बड़ा हाथ जुड़ा हुआ है।